गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स काम करते हैं और इनके पीछे कौन से लॉज का हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स थे क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से सेल्स को बोला जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। किस काम के लिए यूज किया जाता है? टू ड्राइव केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके के जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसका मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इसका यूज करा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की हेल्प से ही होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेटल पर्टिकुलरली। ठीक है, मेटल्स को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किस मेथड के थ्रू किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे जो प्रिंसिपल लगा हुआ है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर किस तरीके से मेटल्स को प्रोड्यूस किया जाता है और कौन सा मेथड होता है जो इसके पीछे एक्ट करता है। सबसे पहले हमने यहाँ एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर कॉपर की रॉड डिप कर दी गई है। एक इम्प्योर थी, एक प्योर कॉपर की रोड है। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां से कुछ कॉपर यहां से निकल जाएगा और कहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा? इसके पास जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और वो जो कॉपर हमें मिलेगा वो कैसा कॉपर मिलेगा? प्योर कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मेटल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके पीछे माइकल फेराडे जो एक साइंटिस्ट था उसने कुछ लॉज दिए थे। तो फर्स्ट लॉ क्या था वो हम देखते हैं। तो माइकल फेराडे इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके नाम से दो लॉज आए थे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मास है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? चार्ज के। कितना चार्ज उस सर्किट के थ्रू पास करवाया जा रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स एम इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो कॉन्स्टेंट यहां पर हमने क्या लिया है? जेड क्यू। ठीक है, जेड को हम कौन सा कॉन्स्टेंट बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहां चार्ज है, चार्ज को अगर मैं करंट के टर्म्स में लिख रही हूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू क्या होता था? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। क्यू की अगर मैं यहां से वैल्यू लेकर आ रही हूं तो वो क्या आ जाएगी? आई टी इज इक्वल्स टू क्यू। इस वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एम इज इक्वल्स टू
जेड आई टी, ठीक है। आई क्या है यहां पर, आई इज इक्वल्स टू करेंट एंड टी इज इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। तो ये था उसका फर्स्ट लॉ, दैट इज एम, कितना अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। इसी चीज को हम किस टर्म्स में लिख सकते हैं, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं, जेड की टर्म्स में। और जेड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं क्यू को, चार्ज को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना चाहूं, करंट होता है क्या एक्चुअल में, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब यहां से क्यू की अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूं तो वो क्या आ जाएगी, आई टी। इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी। आई करंट है, टी टाइम है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ठीक है। Z इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N इंटू एफ। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अबाउट 96500 कूलम पर मोल। एक्चुअल में फैराडेस कांस्टेंट होता क्या है, फैराडेस कांस्टेंट किसको बोला जाता है, ये अब हमें ड्राइव कर देखना है, ठीक है। फैराडेस कांस्टेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड लॉ को देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ क्या है माइकल फैराडेस का। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट मास के, ठीक है। अगर मैं कोई भी दो सब्सटेंस ले रही हूं तो उसके अंदर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विवेलेंट मास के, ठीक है। दैट इज एम वन अपॉन में ई वन इज इक्वल्स टू एम टू अपॉन में ई टू, ठीक है। इस चीज के इक्वल हो जाएगा, इसको बोला गया है सेकेंड लॉ ऑफ माइकल फैराडेस। कितना अमाउंट लिब्रेट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास की जा रही है, ठीक। अब ये 96500 किस तरीके से वैल्यू आती है उसको हम देख लेते हैं कि फैराडेस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से एफ की वैल्यू आई है उसको एक बार चेक करते हैं। एग्जांपल लेते हैं सिल्वर का। सिल्वर को रिड्यूस करने के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं इस चीज को ये लिख सकती हूं, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is required for the reduction of one mole of silver, ठीक है। one electron के ऊपर
कितना चार्ज होता है अगर मैं चार्ज के टर्म्स में लिख रही हूँ, 1.6021 इंटू 10^2 -19 कूलम। ये वैल्यू लर्न होगी, 11th क्लास में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, यहां मैंने किसकी बात कर रही है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है Na, दैट इज 6.022 इंटू 10^23। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 96487 कूलम पर मोल। 1 मोल के लिए आई है ये वैल्यू, तो इस चीज को बोला गया है फैराडेस कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज चार्ज पर मोल। अभी मैंने इसकी वैल्यू आपको अबाउट 96500 बताई थी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू को 96500 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। अगर 96487 गिवन है तो आप 96487 लिखोगे, अगर 96500 गिवन है तो ये वैल्यू पुट करोगे, अदरवाइज नहीं गिवन है तो ये वैल्यू को लर्न कर लो, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो मास है कितना वो डिपॉजिट होने वाला है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और ये फर्स्ट लॉ था। और इसी तरीके से सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा कि अगर दो सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी, दैट इज M1E1 इज इक्वल टू M2E2, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कितना उसके पास करंट पास किया जा रहा है, ठीक है। ये दो लॉ थे इससे रिलेटेड, और फिर हमने देखा कि फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड, देखते हैं एग्जांपल 10, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, वॉट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट एट द कैथोड। कैथोड पर कितना मास डिपोजिट हुआ है हमें वो कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, मास की बात की गई है तो मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एम इज इक्वल्स टू जेड क्यू, अगर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहां पर हमें करंट और टाइम गिवन है तो उसके टर्म्स में लिखते हैं तो जेड आई टी हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, जेड को क्या लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 63 I, करंट कितना गिवन है हमें, 1.5 एम्पियर, टाइम 10 मिनट गिवन है, हमें सारी की सारी चीजें किस में लेनी है, SI यूनिट में, टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आया, 600 सेकेंड्स, कॉपर सल्फेट से कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है, अगर मैं रिएक्शन लिख रही हूं इसकी तो क्या बन जाएगी, Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 F, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं 96487 रख रही हूं, सॉल्व करते हैं इसको,
इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 0.2938 ग्राम्स। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है 10 मिनट के लिए, करंट पास किया जा रहा है उसपे से 1.5 एम्पियर। हमें कैलकुलेट करना है कितना मास वो डिपॉजिट हुआ। सबसे पहले कॉपर सल्फेट की अगर मैं रिएक्शन देख रही हूँ तो वो क्या है, Cu2+ से Cu के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, वहीं अगर मैं टाइम देख रही हूँ, टाइम 10 मिनट के बंद था, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, मास कैलकुलेट करना है, m = zq। जेड क्यू को और सॉल्व कर लेते हैं तो it आ जाएगा, जेड को सॉल्व कर रहे हैं तो मॉलिकुलर मास nf आ जाएगा। इसके अंदर पूरी वैल्यूज रख दिया हमने तो आंसर क्या आ रहा है, m = 0.2938 ग्राम्स। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप आपको इस सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।